हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे केएसपीटी सिस्टम में। आज हम आप लोगों की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्फ डिफेंस की, तो सेल्फ डिफेंस सीखते हुए आप लोगों को दो चार चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेनी है। कोई भी सिस्टम आप सीखिए, उसमें आप लोगों को तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको स्किल, स्ट्रेंथ और टेक्निक, तीन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि आपके पास स्किल है लेकिन आपके पास में स्ट्रेंथ नहीं है उस टेक्निक को करने की, तो वो टेक्निक फेल हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, आपके पास स्ट्रेंथ तो है लेकिन आपके पास टेक्निक नहीं है, तो अगर आपको एक से ज़्यादा लोग अटैक करते हैं या वेपन के साथ में कोई अटैक करता है तो आप ऊपर फेल हो जाएंगे। तीसरी चीज है स्ट्रेंथ। ओके, हम स्ट्रेंथ और टेक्निक के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात आती है स्किल की। तो स्किल और टेक्निक दोनों चीजें लगभग एक ही हैं, लेकिन स्किल क्या है, टेक्निक को जब हम बहुत अच्छे से अपने अंदर बिठा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वही चीज हमारी क्या बन जाती है, स्किल बन जाती है। तो मैं इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर ही कोई भी मार्शल आर्ट सीखना है। आप बॉक्सिंग सीख रहे हैं, आप कराटे सीख रहे हैं, आप सिलाट सीख रहे हैं, आप काली सीख रहे हैं, मुए थाई, जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये तीन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे, स्ट्रेंथ, स्किल एंड टेक्निक। अब बात करते हैं कि किस तरह से इनको हम अप्लाई करेंगे। जब हम प्रैक्टिस सेशन करें, जो भी हम प्रैक्टिस सेशन करें, तो इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आप लोगों को, स्ट्रेंथ, स्किल और टेक्निक, तीनों चीज़ों को फोकस लेकर आप लोगों को अपने प्रैक्टिस सेशन डेली करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ टेक्निक पे फोकस कर रहे हो। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो वही चीज़ आपकी स्किल बन जाती है। तो ये आपका पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कि मैंने आज बात की स्ट्रेंथ, स्किल और टेक्निक के बारे में। अब हम सेकंड वीडियो में जानेंगे कि इनका जो एप्लीकेशन है सेल्फ डिफेंस सिनारियो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू केएसबीटी सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें सेल्फ डिफेंस घर पर सीखने में हेल्प करेगी, या किन चीज़ों की जरूरत हमें पड़ेगी सेल्फ डिफेंस। तो पहली चीज है, आप लोगों को दो स्टिक्स आपके पास में होनी चाहिए। दो स्टिक की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी पूरे सिस्टम को सीखने के लिए। उसके अलावा आप लोगों को एक कोई सा आप पुराना टायर ले लीजिए इस तरह से। ये आप लोगों का क्या है, एक पुराना टायर है जिसमें कि छेद किया हुआ है। अगर स्टैंड आप बना पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है कि आप स्टैंड आप अपने लिए बनवा लें। ये आपका 400-500 रुपये में बनेगा। टायर आप लोगों को कहीं से मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को छेद करके उसे इस तरह से रख लेना है। उसके अलावा मैंने कहा आपको स्टिक, टायर और स्टैंड, बस यही तीन चीज़ें आप लोगों को सेल्फ डिफेंस केएसबीटी सिस्टम सीखने में हेल्प करेगी और इसी पर हम पूरा आपको सिस्टम सिखा देंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और स्पेंड कर सकते हैं और आपके पास फंड है तो आप अपने लिए एक इस तरह का जो बैग आता है उसे आप ले सकते हैं। बैग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने इसे तीन चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। इसमें आप लोगों का सैंड है, रेत है, प्योर आपका जो बारीक वाला रेत होता है, ये ऊपर हमने ऊपर वाला हिस्सा रेत के लिए रखा हुआ है। इसके बीच में जो सेंटर वाला हिस्सा है इसे कपड़ों से फिल किया है, और नीचे जो है ये आपका सॉडस्ट या बुरादा, इसमें क्या किया हुआ है, लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हमारे पास जो बच्चे सीखते हैं उन फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं तो उतना ज़्यादा क्या नहीं होता, स्ट्रेंथ नहीं होती, तो उन्हें हिट करने के लिए ये वाला एरिया दिया जाता है। ठीक है, आप भी जब शुरुआत करेंगे तो आप जब हिट कर रहे होंगे तो यहाँ अपनी शिन, यहाँ आप लोगों को कंडीशन करनी है, यहाँ आप कंडीशन कर सकते हैं अपनी शिन, ये जो जगह है इसको आपको कंडीशन इस जगह पे करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, कपड़े फिल किए हुए हैं। उसके बाद जब हो जाए यहाँ पे फिर आप नीचे हिट कर सकते हैं अपनी शिन को, प्रैक्टिस करने के लिए आप डाउन हिट कर सकते हैं। फिर
जब आपकी किटिंग में थोड़ी और स्ट्रेंथ आ जाएगी और आप यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं जो टॉप वाला एरिया है, तो इसी तरह से आप लोग फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए आप जो अप वाला एरिया है उसमें आप फिट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके जो हाथों की कंडीशनिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, तो बॉक्सिंग यहाँ पर कर सकते हैं और हाथों को उनका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इनकेस मैं आपको बात कर रहा हूँ कि सारा सिस्टम जो है आप लोगों के एसबीटी सिस्टम पूरा, आप बॉक्सिंग की अगर हम बात करें तो आप इस पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंटी हैंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी हमारा प्रैक्टिस वो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें जो हैं, अगर इनकेस आपके पास फंड है आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि इनका होने से जैसे आपके पास अगर बैग है तो थोड़ा आपका मोटिवेशन बना रहेगा पंचिंग करने का, और ये एक अच्छी मतलब जब मॉर्निंग में आप शुरुआत करते हैं तो आप पंचिंग से शुरुआत कर सकते हैं, हल्के पंचिंग से, उसमें आप थोड़े मोटिवेटेड फील करेंगे, अच्छे से आप कर पाएंगे मार्शल आर्ट। तो इतनी चीज़ों का है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें घर पर सीखने के लिए ज़रूरी है। अब बात आती है मैट की, मैट की आप लोगों को अगर स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइजेज अगर करनी है तो ये जो मैट है ये मैट परचेज कर पाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये वाला मैट आप देख सकते हैं, ये वाला मैट आप योगा मैट ये होता है, इसको आप लोगों को एक ले सकते हैं, आपके 300-400 रुपये का भी मार्केट में मिल जाता है। तो इतनी चीज़ें अगर आप अपना एक डोजो बना लेते हैं कहीं पर उससे काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। लेकिन बेसिक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है, आपके पास दो स्टिक होनी चाहिए और एक टायर होना चाहिए, और अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप इस टायर को किसी पेड़ से बांध सकते हैं, ग्रिल से बांध सकते हैं, किसी वॉल पे आप इसे फिक्स कर सकते हैं, कई तरीके हैं इस टायर को फिक्स करने के। हो सकेगा तो मैं इस टायर को अलग अलग जगह पर फिक्स करके प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो वो मिलते हैं, अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं अगले वीडियो में, तो गुड बाय। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू केएसपीडी सिस्टम। आज हम बात करेंगे सेल्फ डिफेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी की, वो थ्योरी है उसे हम कहते हैं सॉ थ्योरी, SAW। इसमें जो S है वो है स्किल, A है आपका अवेयरनेस और W है आपका वेपन। ध्यान रखिए कि आप बिना वेपन का अपना डिफेंस नहीं कर सकते हैं एफिशिएंटली। अगर आपके पास वेपन है, स्टिक है, नाइफ, गन, व्हाटएवर वेपन यू हैव, कीप इट विद यू ऑलवेज। आपको हमेशा अपना एक ना एक वेपन अपने साथ रखना है, क्योंकि मुसीबतें आपको बताकर नहीं आएंगी। जिनके साथ भी आज तक इंसिडेंट हुए हैं उनको नहीं पता था कि ये इंसिडेंट मेरे साथ होने वाला है, नहीं तो वो आदमी उस प्लेस पर नहीं होता। तो तीन चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, सॉ थ्योरी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसमें आपका एस से है स्किल, ए से है अवेयरनेस और तीसरा आपका W, ये है आप लोगों का वेपन। इसमें भी आप अगर सॉ थ्योरी में बात करें हम तो इसमें आपका अवेयरनेस जो फैक्टर है वो सेल्फ डिफेंस की आपका हार्ट है, आप बोल सकते हैं सोल है, आत्मा है। अगर आप अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है, आप अवेयर नहीं है, तो आपको कोई टेक्निक, कोई स्ट्रेंथ, कोई वेपन भी नहीं बचा सकता है। देखिए, आप एक बार ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास वेपन है बट आप सोए हुए हैं कहीं पर ऐसी जगह पर जहां पर की खतरा है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं, आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप ऐसी जगह इन्वॉल्व हो गए हैं, ऐसी जगह पर चले गए हैं जहां पर कि आप बिना अवेयरनेस के वहां पर गए हुए हैं और आप पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो आपकी जो स्किल है वो आपको थोड़ी देर के लिए बचा सकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं बचा सकती है। तो इसलिए आप लोगों को ये बात हमेशा अपने माइंड में याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि अवेयर रहना है अपने सराउंडिंग के बारे में, हमेशा हमें पता होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं, मेरी लोकेशन ऑफिस है, रोड है या कोई गली है,
या कोई जंगल है या मैं किसी अननोन प्लेस पे हूँ, आपको हर सेल्फ डिफेंस का एक रूल है कि हम कहीं जाने से पहले उस जगह को क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, एनालाइज में अगर हम वहां पे एनालिसिस में फेल हुए, अगर हम उस जगह को समझने में फेल हो गए, तो इसका मतलब हम अपना जो ग्राउंड है उसे नहीं जानते कि हमें लड़ना कहाँ पर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी अवेयरनेस, अपने आप को अवेयर रखिए। अवेयरनेस के बारे में एक डिटेल वीडियो में सेल्फ डिफेंस कोर्स में आप लोगों को दूंगा और अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा कि कौन सी जगह पर आपको किस तरह से अवेयर रहना है। लेकिन अभी इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में आप लोग इसे समझिए कि सौ थ्योरी में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे और जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप किस पार्ट को फोकस कर रहे हैं। तो अपनी एक मेंटेलिटी बनाइए कि अपने पास हमेशा एक वेपन रखिए, चाहे छोटा नाइफ हो, चाहे बड़ा हो या स्टिक हो, ये आपके पास में हमेशा होना चाहिए। तो इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप बना के चल पाते हैं, स्किल, अवेयरनेस एंड वेपन, अगर ये तीन चीजें आपके पास में हैं, तो ये इसके ज्यादा चांसेस हैं कि आप सेफ घर आ पाएंगे, अपनों को सेफ रख पाएंगे, अपनी चीजों को सेफ रख पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू केएसबीडी सिस्टम। आज हम आप लोगों को पहला लेसन स्ट्राइकिंग का देने वाले हैं और स्ट्राइकिंग के साथ में आप लोगों को फुटबॉल का भी हम थोड़ा बहुत नॉलेज देंगे। फुटबॉल का एक अलग वीडियो आप लोगों के पास आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्टिक ले लेनी है। स्टिक के साथ में आपके पास ये टायर होना बहुत जरूरी है। टायर में आप लोग ध्यान रखिए कि आपको मूव किस तरह से होना है। यहाँ पर आप लोग इस तरह से यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिए, ये आपका टायर है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ये आपका टायर है 45 डिग्री, ये वाला आप लोगों को ध्यान रखना है 45 डिग्री, आप लोगों का ये वाला जो हेड होगा वो इस तरफ होगा। अब आप पहले यहाँ पर खड़े होंगे, ये आपकी रेडी पोजीशन है, ध्यान से देखिए। रेडी पोजीशन का मतलब है कि आपके जो पैर हैं वो इस तरह से, आप स्टिक को अगर इस तरह से रखेंगे तो आपके पैर स्टिक का एक पैर इस साइड और एक पैर इस साइड होना चाहिए। अब आप अपनी स्टिक को उठा सकते हैं, यदि आपकी रेडी पोजीशन है। ओके, आपकी बॉडी में हमेशा रेडीनेस होनी चाहिए। ऐसा फील कीजिए जैसा हम कबड्डी खेलते हुए बॉडी में रेडीनेस होती है, वही रेडीनेस आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ से हम स्ट्राइक जब करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, इधर अपना पैर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमें बॉडी को एडजस्ट करके एक स्ट्राइक करना है और दो स्ट्राइक करने हैं। उसके बाद फिर से हम शोल्डर चैम्बर कर लेंगे, फिर इस साइड आप लोगों को जाना है, फिर वन एंड वापस। तो ये आप लोगों को डेली आपको ये फिटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि कितनी बार हम इसे हिट करें, कितनी बार आपको इसे हिट करना है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना ज्यादा स्ट्रेंथ अपने हाथ में चाहते हैं उतनी बार आप स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये अपने शेड्यूल में बना लेना है कि आप डेली मॉर्निंग में कम से कम 200 हिट्स करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुटबॉल के बारे में। स्ट्राइकिंग एक ऐसी चीज है, स्ट्राइकिंग ही आप बात करें किसी भी मार्शल आर्ट की, हम हिट करके ही अपना डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास वेपन है और ये जो आपका एंगल वन और एंगल टू, अभी हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये अपने रूटीन में बना लेना है कि 10 मिनट्स आपको मॉर्निंग में सिर्फ हिटिंग करनी है। आप टायर पे हिट कीजिए, टेक्निक सही कैसे है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको अपने रूटीन में सबसे पहले आप लोगों को हिटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप एक हमने पहले इसी तरह से हिट कर सकते हैं, आप टायर में इसी तरह से हिट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि टेक्निक सही क्या है हिटिंग। बट पहली चीज हमारा क्या है कि रूटीन में हम हिटिंग करना शुरू कर देंगे। अगर किसी ने कभी जिंदगी में हिट किया ही नहीं है किसी चीज को, तो अपना डिफेंस के टाइम पे जब उसे अपने सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ेगी उस टाइम वो प्रॉपर तरीके से हिट नहीं कर पाएगा। तो ये आपका पहला लेसन था, यहाँ से आप लोगों की मार्शल आर्ट जर्नी शुरू होती है और पहला हिट आप लोगों को उसके लिए कंग्रेचुलेशन, अगर आप लोगों ने शुरू कर दिया है। और
ये आपका रूटीन होना चाहिए। और आप लोग तो वापस मुझे इसकी जो विजिटिंग की जो क्लिप है उसे बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है उस पर आप हमें सेंड करेंगे तो आप लोगों का हम करेक्शन कर पाएंगे। तो उसका क्लिप हमें ज़रूर भेजिए, आप टायर रखिए और उस पर हिटिंग कीजिए, हिट कीजिए और फिर उसे रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजिए, फिर हम उसमें आप लोगों का करेक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। एवरीवन, यू आर वेलकम टू केएसबीटी सिस्टम। आज हम बात करेंगे हैबिट सिक्स के बारे में कि हैबिट का जो पैटर्न है उसमें हम किस तरह से हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन आप लोगों को देख लेनी है, हैबिट सिक्स की जो पोजीशन आप बनाएंगे उसे इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। तो साथ ही साथ आप मेरे साथ में इसे स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अपना पैर आगे रखिए, 45 डिग्री आप लोगों का जो पैर है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जो फुटवर्क बताया है वो आप लोगों को याद होगा कि फुटवर्क मैंने आप लोगों को बताया था 1 और 2, ये वाला फुटवर्क आप लोगों को यूज करना है हैवन सिक्स में। बट पैटर्न जब हम सीख रहे हैं तो हमें क्या करना है, इधर अपना पैर रख लेना है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, आपको बिना फुटवर्क के इसे अभी करना है, जो फर्स्ट स्टेप है आपका हैवन सिक्स का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है आपके हैवन सिक्स फर्स्ट वीडियो। आपको अपना जो हाथ है उसे पूरा इस तरह से रख लेना है, शोल्डर में आपकी जो स्टिक होगी वो शोल्डर में होगी और यहाँ आप लोग अपना हाथ रख लेंगे। उसके बाद आपका जो हाथ है वो बाहर की तरफ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप अपना हाथ रखेंगे, आप बहुत नीचे नहीं बहुत ऊपर नहीं, आपको बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल आप लोगों को इसे रखना है, बिल्कुल सीधा इसे रखना है। उसके बाद यहाँ पर और ध्यान रखेंगे जब ये इस तरह से आप इसे रखेंगे, यू विल पुट योर स्टिक लाइक दिस, यहाँ पे बिल्कुल एक क्रॉस बनना चाहिए आपके फेस के सामने, एक क्रॉस बनना चाहिए। ठीक है, और फिर आप इसे उठा के इस साइड रख देंगे। ठीक है, दोबारा देखिए, 1, ये आपका 1 है। जब आप और हाथ को नीचे वाले हाथ को रखने की जो पोजिशन है उसे बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको बात का जो प्रोग्रेस है वो समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोगों को हाथ इस तरह से नीचे रखना है, इसके ऊपर आप लोगों को रखना है। ठीक है, और स्टिक को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चिपका लेना है, नीचे नहीं होनी चाहिए, दोनों स्टिक लगभग आपकी पैरेलल होनी चाहिए। इस हाथ को आप ये जो फिस्ट आपका बना है इसके ऊपर ही रखेंगे, इस तरह से ही आप रखेंगे, इसे अंदर नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो आपने हाथ इस तरह से रखा है, ओके, सो 1 यहाँ आप लोग पहुँच गए। ठीक है, 2, जब 2 आप करेंगे तो इस वाले हाथ को उठा के यहाँ पर आप फेस के सामने लाएंगे, तो आपका फिर से यहाँ अगर आप इस स्टिक को यहाँ पर रखते हैं तो क्रॉस बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 2, और 3 में आप इसे उठाकर नीचे रख लेंगे, तो आपका जो पूरा पैटर्न है एक साइड का, वन साइड का पैटर्न है, वो कम्प्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम वही चीज जो हमने इधर से की थी वही सेम हम इसे वापस लाएंगे। 1 वापस रख दिया, 2 इसे आप आउट कर दिया, एंड 3 इसे आप यहाँ डाउन, फिर हम अपनी पोजीशन पे पहुंच गए। तो क्योंकि इसके 6 स्टेप्स होते हैं इसीलिए इसको हम हैवन सिक्स कहते हैं। तो देखिए 1, और एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो सिलाट है, काली है, इंडोनेशिया और फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स का पूरा इसी हैवन सिक्स पर बेस्ड है, तो आप लोगों को इसे डेली प्रैक्टिस करना है। आपका 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यही पैटर्न जब आपका इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको ये चीज याद हो जाए तो आप इसे करते हुए इस तरह से आप इसे हल्की सी स्पीड बढ़ा दीजिए। इस स्पीड बढ़ाने पे आप बाद में इसे यहां तक पहुंच जाए, ओके। इवन जब आप इसे, अब आप बात आती है टायर पर प्रैक्टिस की, अब हम इसे टायर पर प्रैक्टिस करके कोशिश करेंगे कि यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या रोल है। Mm-hmm.
हेवन सिक्स का एप्लीकेशन आप देखिए, जब आप हिट कर रहे हो तो आपको 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आप क्या कर सकते हैं हिटिंग। अब जब ये बहुत आप एडवांस लेवल पर सीख जाएंगे तो आप पूरी तरह से आप इसे इस तरह से आप हिटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर बाद में, तो आपको इसे इसी लेवल पर पहुंचना है। अपना जो हेवन सिक्स है पूरा आपका क्या होगा, यही आपका लेवल बन जाएगा। और ये लेवल तक पहुंचने में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे अगर आप इसे डेली हेवन सिक्स का आपको प्रैक्टिस जो सेशन है आपको कम से कम 20 मिनट अपना रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हेवन सिक्स बेस है आपका फिलिपिनो और इंडोनेशियन मार्शल आर्ट का, तो अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बाद में इस मार्शल आर्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और सेल्फ डिफेंस के टाइम पर। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि जो ये हेवन सिक्स है आपका, हेवन सिक्स आपके ब्रेन को इस तरह से डिवेलप कर लेता है कि आपका आपके दोनों हाथ बहुत स्मूथली वर्क करना शुरू कर देते हैं। मीन्स आपके हाथों को सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ मुझे हिट करना है, कहाँ मूव होना है। तो हेवन सिक्स का बहुत अच्छा फायदा हमारे ब्रेन के लिए भी है कि आप बहुत अच्छे से हाथों को मूव कर पाएंगे। और अगर कोई वेपन से आपको अटैक करता है तो हमें समझ में आता है कि हमें किधर को मूव होके एंट्री लेनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में, तो गुड बाय। एवरीवन, यू आर वेलकम टू केएस बीडी सिस्टम। आज हम बात करेंगे हेवन सिक्स के बारे में कि हेवन सिक्स का जो पैटर्न है उसमें हम किस तरह से हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन आप लोगों को देख लेनी है, हेवन सिक्स की जो पोजीशन आप बनाएंगे उसे इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। तो साथ ही साथ आप मेरे साथ में इसे स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अपना पैर आगे रखिए, 45 डिग्री आप लोगों का जो पैर है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जो फुटवर्क बताया है वो आप लोगों को याद होगा कि फुटवर्क मैंने आप लोगों को बताया था 1 and 2, ये वाला फुटवर्क आप लोगों को यूज करना है हेवन सिक्स में। बट पैटर्न जब हम सीख रहे हैं तो हमें क्या करना है, इधर अपना पैर रख लेना है। तो ये फर्स्ट वीडियो है, आपको बिना फुटवर्क के इसे अभी करना है, जो फर्स्ट स्टेप है आपका हेवन सिक्स का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है आपके हेवन सिक्स फर्स्ट वीडियो। आपको अपना जो हाथ है उसे पूरा इस तरह से रख लेना है, शोल्डर में आपकी जो स्टिक होगी वो शोल्डर में होगी और यहाँ आप लोग अपना हाथ रख लेंगे। उसके बाद आपका जो हाथ है वो बाहर की तरफ जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप अपना हाथ रखेंगे, आप बहुत नीचे नहीं बहुत ऊपर नहीं, आपको बिल्कुल शोल्डर के पैरेलल आप लोगों को इसे रखना है, बिल्कुल सीधा इसे रखना है। उसके बाद यहाँ पर और ध्यान रखेंगे जब ये इस तरह से आप इसे रखेंगे, यू पुट योर स्टिक लाइक दिस, यहाँ पे बिल्कुल एक क्रॉस बनना चाहिए आपके फेस के सामने, एक क्रॉस बनना चाहिए। ठीक है, और फिर आप इसे उठा के इस साइड रख देंगे। ठीक है, दोबारा देखिए, 1, ये आपका 1 है। जब आप और हाथ को नीचे वाले हाथ को रखने की जो पोजिशन है उसे बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि आपको बात का जो प्रोग्रेस है वो समझ में आएगा। यहाँ पर आप लोगों को हाथ इस तरह से नीचे रखना है, इसके ऊपर आप लोगों को रखना है। ठीक है, और स्टिक को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चिपका लेना है, नीचे नहीं होनी चाहिए, दोनों स्टिक लगभग आपकी पैरेलल होनी चाहिए। इस हाथ को आप ये जो फिस्ट आपका बना है इसके ऊपर ही रखेंगे, इस तरह से ही आप रखेंगे, इसे अंदर नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। तो आपने हाथ इस तरह से रखा है, ओके, सो 1 यहाँ आप लोग पहुँच गए। ठीक है, 2, जब 2 आप करेंगे तो इस वाले हाथ को उठा के यहाँ पर आप फेस के सामने लाएंगे तो आपका फिर से यहाँ, अगर आप इस स्टिक को यहाँ पे रखते हैं तो क्रॉस बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 2, और 3 में आप इसे उठाकर नीचे रख लेंगे तो आपका जो पूरा पैटर्न है एक साइड का, वन साइड का पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम वही चीज जो हमने इधर से की थी वही सेम हम इसे वापस लाएंगे, 1 वापस रख दिया, 2 इसे आउट कर दिया, एंड 3
जैसे आप यहाँ डाउन फिर हम अपनी पोजीशन पे पहुंच गए, तो क्योंकि इसके सिक्स स्टेप्स होते हैं इसीलिए इसको हम हेवन सिक्स कहते हैं। तो देखिए वन, और एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो सिलाट है, पाली है, इंडोनेशियन और फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स का पूरा इसी हेवन सिक्स पर बेस्ड है, तो आप लोगों को इसे डेली प्रैक्टिस करना है। आपका वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, यही पैटर्न जब आपका इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और आपको ये चीज याद हो जाए तो आप इसे करते हुए इस तरह से आप इसे हल्की सी स्पीड बढ़ा दीजिए। इस स्पीड बढ़ाने पे आप बाद में इसे यहां तक पहुंच जाए। ओके, इवन जब आप इसे, अब आप बात आती है टायर पर प्रैक्टिस की, अब हम इसे टायर पर प्रैक्टिस करके कोशिश करेंगे कि यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या रोल है। हेवन सिक्स का एप्लीकेशन आप देखिए, जब आप हिट कर रहे हो तब आपको वन टू थ्री एंड फोर फाइव सिक्स एट नाइन इलेवन, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं हिटिंग। अब जब ये बहुत आप एडवांस लेवल पर सीख जाएंगे तो आप पूरी तरह से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर बाद में, तो आपको इसे इसी लेवल पर पहुंचना है। अपना जो हेवन सिक्स है पूरा आपका क्या होगा, यही आपका लेवल बन जाएगा, और ये लेवल तक पहुंचने में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। अगर आप इसे डेली हेवन सिक्स का आपको प्रैक्टिस जो सेशन है आपको कम से कम 20 मिनट अपना रखना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हेवन सिक्स बेस है आपका फिलिपिनो और इंडोनेशियन मार्शल आर्ट का, तो अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बाद में इस मार्शल आर्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और सेल्फ डिफेंस के टाइम पर। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बता दूं कि जो ये हेवन सिक्स है आपका, हेवन सिक्स आपके ब्रेन को इस तरह से डिवेलप कर लेता है कि आपका आपके दोनों हाथ बहुत स्मूथली वर्क करना शुरू कर देते हैं। मीन्स आपके हाथों को सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ मुझे हिट करना है, कहाँ मूव होना है। तो हेवन सिक्स का बहुत अच्छा फायदा हमारे ब्रेन के लिए भी है कि आप बहुत अच्छे से हाथों को मूव कर पाएंगे, और अगर कोई वेपन से आपको अटैक करता है तो हमें समझ में आता है कि हमें किधर को मूव होके एंट्री लेनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेसन में, तो गुड बाय, टेक केयर, वेलकम टू केएस पीटी सिस्टम। आज हम बात करेंगे वेपन के बारे में, and we will try to understand what weapon we are using and how we are using and why we are using it. Okay, तो जब हम stick का use करते हैं तो Filipino martial art हो या आपका Indonesian martial art हो, ये आपका edge weapon based martial art है। हम इसको assume करते हैं कि हमने अपने हाथ में तलवार या knife पकड़ी हुई। आप ध्यान देंगे कि जो हमारा, जब हम नाइफ या कुकरी कोई भी शार्प वेपन पकड़ते हैं तो थोड़ा सा क्लोज आके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, हमारे जो ये ब्लेड होती है ये ब्लेड इस तरफ को है। देखिए जो हमारे नकल्स हैं यहाँ पर हमारा क्या है, ब्लेड। तो हम जब वेपन पकड़ते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए इसमें एज नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है कि आपकी ब्लेड यहाँ पर है। अब अगर हम किसी चीज को काट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम हेवन सिक्स कर रहे हैं और हम काट रहे हैं, हम स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी स्टिक का अगर मैं बिना सोचे, बिना दिमाग को लगाए हुए मैं हिट किया जा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वेपन कहाँ हिट कर रहा है, प्रॉपर एंगल हिट नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे मैं, मेरे पास ये वेपन है,
अगर मैं इससे इस तरह से हिट करता रहा, इस तरह से कहीं भी हिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये काटेगा नहीं। इसे काटने के लिए प्रॉपर एंगल की जरूरत पड़ती है और वही जो एंगल होता है उसी में पावरफुल शॉट हमारा आता है। तो अगर हमारे माइंड में एज वेपन है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए हम क्या करते हैं, आप ये देखिए, इस तरह से आप लोगों को या तो आप लकड़ी का आप एक तलवार बना सकते हैं, ठीक है, उससे आपके एंगल्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि आप काट कैसे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार हम जब इससे स्टिक से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें हमारे माइंड में ये बात नहीं होती है कि जो एंगल है वो सही है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मार्केट में देखेंगे तो इस तरह की डमी शॉट्स आ जाती हैं, ठीक है, उनमें आपका नाइफ नहीं होता है, ठीक है, शार्प नहीं होती है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को हेवन सिक्स का एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं हेवन सिक्स कर रहा हूं तो मेरा जो स्ट्राइक होगा वो किस तरह से होना चाहिए, वन, यहां से क्योंकि मैं काट रहा हूं, वन, ओके। अब क्योंकि हमने अभी तक हेवन सिक्स ब्रोकर में सीखा है तो आप यहीं आप सीखेंगे वन, एंड यहां पे आप लोग अपना जो नाइफ का ये वाला पार्ट है इसे यहां पर लाएंगे और इधर रख लेंगे। जब आप यूजुअली जब हम स्टिक से करते हैं तो थर्ड वाला हमारा हाथ इस तरह से हम रख लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन होगा क्या कि आपका फिर आपका जो वेपन की एंगल है, वेपन का एंगल वो गलत हो जाएगा, आपको इस तरह से इसे काटते हुए लाना है, तो ठीक है। सो वन टू एंड थ्री, हम वापस आते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमें एंगल करेक्शन करना है, जो हमारा शार्प एज है वो हमारा कटिंग मोशन में जाना चाहिए। इस तरह से आप काट सकते हैं, इस तरह से आप शार्प एज से काट रहे हैं, तब ये आपका एंगल सही होगा। तो हमने बात की आज वेपन की शार्प एज की। अगर हमने स्टिक अपने हाथ में पकड़ी, स्टिक से अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, शार्प एज का कोई भी वेपन अभी यूज ना करें, अभी आप शुरुआती दौर में हैं, बाद में आप यूज कर सकते हैं जब आपके हाथ बिल्कुल हाथ में पावर आ जाएगी और कंट्रोल आ जाएगी। पावर एंड कंट्रोल दोनों चीजों पर हमें काम करना है। सो आप इस तरह से ही ध्यान रखें कि जब आप ये स्ट्राइक करते हैं और वापस आ रहे हैं तो आपका कौन सा वाला होना चाहिए, जो आपका एंगल ये वाला होना चाहिए, जो हमारे नकल्स हैं वही वापस आना चाहिए। तो वन एंड टू, जब आप मूव करेंगे अपने शोल्डर को तो ऑटोमेटिकली आपका ये वापस आ जाएगा, वन एंड टू, वन एंड टू, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेवन सिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि हेवन सिक्स दो तरह से किया जाता है। एक आपको जो मैंने सिखाया है वो है आपका ब्रोकन, ओके। ब्रोकन का मतलब ये है कि हमारा ये पूरी स्ट्राइक यहां से यहां तक है, ओके। अब अगर हम इसे स्ट्राइक कर रहे हैं और कहीं बीच में अगर हाथ को रोक लेते हैं तो ये हमारा क्या है, ब्रोकन माना जाता है। सो वन टू थ्री एंड फोर, ये हमारा क्या है, ब्रोकन है। तो आप लोगों को जो भी आप प्रैक्टिस सेशन करते हैं उस प्रैक्टिस की क्लिप भी बना लीजिए और हमें शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपका करेक्शन भी कर सकते हैं वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू केएसबीडी सिस्टम। आज हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस जो आप डेली वेपन ट्रेनिंग से पहले आप ये सारी ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है, अपने जो स्टिक्स हैं उन्हें सीधे इस तरह से पकड़ लीजिए और अपनी कलाइयों की एक्सरसाइज आपको करनी है 20 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेकंड जो मूवमेंट होगा वो होगा आपका वन, इस तरह से आपको इन्हें अंदर की तरफ को मूव करना है और अपनी कलाइयों को जितना अपनी एल्बोज को आपको अंदर की तरफ टक करके रखना है इस तरह से, और अब मूवमेंट करना है 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आपको जो आपके वेपन हैं उन्हें थोड़ा सा इस तरह से पकड़ लेना है और रोल करना है ऊपर की तरफ, वन रोल करना है डाउन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, इस तरह से आप इसे 40 तक कर सकते हैं। अब आपको एक बार जो फोर्थ है वो फोर्थ टेक्निक ये है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, इसे इस तरह से रख लीजिए। अब इसे कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब इसे आपको अपोजिट घुमाना है, वन ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, दो तीन दिन लग जाते हैं, और अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप इसे पहले दिन भी कर सकते हैं, एक डेढ़ घंटे में आप इसे सीख सकते हैं, इसे आप स्लो मोशन में। अब ये ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है क्योंकि हमारे दोनों हाथ क्या कर रहे होते हैं, बराबर काम कर रहे होते हैं और हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है वेपन के साथ में। तो आप इसे अपोजिट इस तरह से आप इसका कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। सो चलिए 10 टाइम्स इसे करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। ओके, इसके बाद आपको मूवमेंट करना है सीजर मूवमेंट, इसे सीजर मूवमेंट बोला जाता है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट करना है, वन टू, एक बार इसे ऊपर एक बार नीचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसके बाद आपको ये वेपन यहाँ रख लेना है और बिटिंग मोशन या फैन मोशन इसको कहा जाता है। सो वन टू थ्री फोर, देखिए शोल्डर भी आपको हल्का सा ये इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ आप शोल्डर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। सेकेंड साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब आपको इसे कंबाइन करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब आप इसे डाउन, जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, 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 इस तरह से आप इसे काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। एक अपनी प्रैक्टिस सेशन की, जब आप 10 मिनट प्रैक्टिस कर चुके होंगे ये सारी एक्सरसाइजेस की, उनका आप एक शॉर्ट क्लिप बनाइए और हमें शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू केएसबीटी सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं फुटवर्क के बारे में। ये जो आपका फुटवर्क है ये कम्प्लीट फुटवर्क है जो हम मार्शल आर्ट सीख रहे हैं उसमें। यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से खड़े हो जाना है और ये अज्यूम करना है कि यहाँ पर आपका दूसरा ओपोनेंट इसी तरह से खड़ा है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए मूव कैसे होंगे, हम यहाँ से अपना जो पैर है उसे यहाँ लाएंगे और शिफ्ट करेंगे इस साइड को, ठीक है, और अपना जो पैर होगा वो हल्का सा आपका पैर इस साइड को आपको मोड़ के रखना है बजाय इधर के, ठीक है, हल्का सा इस तरफ को और हल्का उसे उठा लेना है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है आपका, वन ये पहला स्टेप है, फिर आप इसे चेंज करेंगे, दोनों यहां पर आएंगे और इधर आप ले चेंज कर देंगे, सो वन एंड टू दिस साइड। सो सबसे पहले आप इसी फुटवर्क को 20 टाइम करेंगे, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, रेडी पोजीशन, वन टू
थ्री फोर, हाथों को आप सेंटर में रखेंगे और इस तरह से आप रोल भी कर सकते हैं। अपोजिट रोल करेंगे, इस तरह से ऊपर की साइड आप रोल कर सकते हैं। अंगूठों को टच करते रहिए, चेस्ट से अंगूठों को टच करते रहिए। काउंटिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। जब हम रोल कर रहे हैं तो हमारा जो हाथ है वो आप ध्यान रखेंगे, जब हमारा ये पैर आगे जा रहा हो तो ये वाला हाथ ऊपर आ जाए। देखिए टू वन टू एंड थ्री, ओके वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री। इसे आप कॉन्टिन्यूस लगभग 50 टाइम आप कीजिए डेली, अपने शेड्यूल में इसे डाल दीजिए, क्योंकि फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्शल आर्ट में। अब जो सेकेंड पार्ट है इस फुटवर्क का, उसे हम ये फुटवर्क की फर्स्ट वीडियो है आप लोगों की, इसी को आपको कैरी ऑन करना है। और अब हम इसमें फुटवर्क पार्ट टू आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये वाला जो है इसके एक शॉर्ट क्लिप बनाइए और हमें शेयर कीजिए। ओके नाउ स्टार्ट। फिर ये वाला करना होगा। नीचे बैठ जाओ, पहले पीछे बैठ जाओ, पीछे नीचे आराम से बैठ जाओ। हाँ नीचे नीचे बैठ जाओ, अभी स्प्लिट मत करो, अभी स्प्लिट पीछे बैठ जाओ। फाइव टाइम इधर, फाइव टाइम इधर दोबारा करो, जो शुरुआत से करते एक साथ एक साथ। हाँ इस साइड
इसके बाद आप फुल स्प्लिट लगा आगे वो हल्का सा उठा के पुश किया था बहुत आना है और आगे आना है अभी पूरी नहीं है Hello everyone, you are welcome back to KS Media System. In this video, we will be talking about angles of attack and how to control the hand. This is very important in any weapon fighting. When you reach hand or you hold hand, then how do you control your hand? That is important. So let's see how can we do it. So first of all, he will give me the first five angles. Angle 1, so you go this side, angle 1, angle 2, and angle 3, angle 4, angle 5. Now this is for training purpose. Here the important thing is I will take the hand if this is real situation. So like I am here and he gives me angle 1, if he is giving me angle 1, I will take the hand from here and then I will just take the eye or the face. Alright, so give me angle 1, go this side, go 45 degree and take the hand from here. When if he gives me angle 2, I will go 45 degree again and I will just take the hand from here. Alright, so if I am here, the situation is this, and if he is giving me angle 2, give me angle 2. Angle 2, I will go 45 degree and then I will take this hand. This is my target. The hand is my target. Angle 3, if he is giving me angle 3, the same thing, I will just target the hand and then I'll just raise my weapon up. Angle 4, I'll go this side. Angle 5, this is
the way how we do it. Now for training purpose, what we are doing, angle 1, we are just touching the weapon, angle 2, angle 3, angle 4, and angle 5. I'm just cutting down and then I will just pull my hand up. Now, second thing, this is very important. When we are controlling or holding the hand, the first thing is our elbow should be down, not outside. Why we do it? Like if it is giving me angle 1, I take this hand like this. If my elbow goes out, it is very difficult for me to control the hand like this. See here, if he puts his elbow outside, it is easy for me to pull him here. Now see the body reaction. Now keep it inside like this. If I want to pull it now, now it is difficult for me to pull. Now keep it outside. Now it is very easy for me. So when I am doing it, what I will do, when somebody is hitting me and I have less space, what I will do, I will just touch it here, give me angle 1, boom, this is, okay. Now see the position of my elbow and see the position of his hand. This is the thing. Now I can hit here and then I can bring him on ground. Or if this is just a stick, I can just move this and then I can use heaven six. So hopefully you understood the 5 angles of attacks. I have already told you in, on channel, you can check out that video. But here the importance, importance of keeping your elbow inside. This is the thing we are going to teach you here. So if you are controlling the hand, just keep your elbow down and then pull, then easily pull another person. This is the point I want to make. So hopefully it makes sense. So if you are working on 5 angles, keep these things in mind. Like give me angle 1, this is 1, now see my elbow, angle 2. Now see my elbows are down. From here, it is easy for me to control his hands, okay. From here, I am going this, I can push it down, I can take the weapon and then heaven 6 I can do. Now angle 3, this is 1, now again my elbow is down, I can do this, and now angle 4. Angle 4, I can go this side and I push this outside. Now 5, angle 5 and this one. So hopefully you understood. The key point is keeping your elbows down. If we don't have weapon, I don't have weapon, he has the weapon, I am here and I don't have any choice to go outside or somewhere, I will just take charge, give me angle 1, I will go inside, my elbows are down, okay, so I can hit, when I hit, then I can push it like this, but control is here, okay, if I do this, it is difficult for me, now pull me there, yes, it is easy for him to do that, but now if I keep my elbows down, now see, this is the control here. Okay, I can control here. I can just raise this. See the body, posture you can see like this, and even fall here. Then I can do whatever I want to do. So, hopefully, you got the idea how to use your elbows and what is the benefit of keeping your elbows down when you are grabbing something. That's why in Filipino or Indonesian martial arts, if you see, people keep their elbows always tight to body, okay, close to body, and then they move in this way, in this direction, whatever direction they are moving, their elbows are down, and then they can use it for more power generation. So hopefully you like the video. If you like the video, please. Recovery. अगर हम कभी ground पे चले गए, तो
फाइटिंग में आपको रिकवरी कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस में आप रिकवर कैसे करेंगे, इन केस आपकी पोजीशन ये है तो आप यहाँ पे सिलाट यूज कर सकते हैं, ये सिलाट की टेक्निक है। जैसे ही कोई अगर आपको हिट करेगा, क्योंकि इस पोजीशन से आपको या तो किक करेगा या तो होल्ड करने के लिए आगे को बढ़ेगा, तो उसे अपना पैर आगे रखना पड़ेगा। ये उसका पैर आगे आया, जैसे ही पैर आगे रहता है हमारा जो पैर है हम इस तरह से अपनी इस हाथ पर और इस पैर पे बैलेंस बना के बॉडी को उठाएंगे और फिर हम यहां से अपना किक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ किक किया तो आप देख सकते हैं, अगर बॉडी रिएक्शन आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे बहुत जोर से किक करेंगे तो चेहरा कहीं ना कहीं नीचे को आता है, ठीक है, तो हमारा वो वन वापस आएंगे, नीचे बैठेंगे। हल्का सा जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें सेकंड किक करनी है, वन टू, ये आपकी पोजीशन होगी। ऑलराइट, नाउ गो बैक, फिर से दोबारा से हम इसे करेंगे, आओ, वन वन टू। जब आपका पैर यहां होगा आपको इस पैर के इस साइड आपको हिट करना है एंड द पर्सन विल गो डाउन लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, दूसरा इस साइड को गिरा है, आपको अपने बॉडी का हल्का सा पोस्चर, अगर आप अप आना चाहते हैं तो अब आप थ्री पॉइंट पोजीशन में ऊपर आ सकते हैं, अगर आप यहीं से हिट करना चाहते हैं तो आप इस साइड को हिट करेंगे, फ्रॉम हियर यू कैन रिमूव दिस हैंड एज वेल, यहां से आप हाथ यहां प्रेस करके किक कर सकते हैं। जैसे देखिए जब मैं यहां हिट कर रहा हूं बॉडी का रिएक्शन देखिए, ऊपर आ रहा है, सर ऊपर आता है एंड देन फ्रॉम दिस साइड आई विल जस्ट गो दिस साइड, ओके, फ्रॉम हियर आई कैन लॉक दिस, सी सी द रिएक्शन, बूम, जब यहां पे हम पहुंच जाते हैं देन आई विल जस्ट गो अगेन डाउन एंड गो दिस साइड, फ्रॉम हियर गो दैट साइड, कम एक बार थोड़ा सीधा जाओ, हाँ यस, एक बार हम इसे फ्लो में कर रहे हैं, आप लोगों को इसे स्लो डाउन में ही प्रैक्टिस करना है। कम, वन टू थ्री, बूम, दिस इज दिस, वापस, ये आपका पूरा सीक्वेंस है, गो। बैक टू केएसबीडी सिस्टम, यहां पर हम नाइफ का जो फर्स्ट एंगल होता है उस पर ड्रिल करने वाले हैं। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन सी, यू कैन वॉच एंड यू कैन ट्रेन, बट थोड़ा सा केयरफुल रहिए। एंगल वन, एंगल वन का जो अटैक होता है आपने पिछली वीडियो में देखा हुआ है, ये है, और ये जो ड्रिल है ये नाइफ बेस्ड है, मीन्स अटैकर के पास भी नाइफ है और मेरे पास भी क्या है, नाइफ है, तो हम इस पोजिशन में कैसे डील करें। बाद में यही जो हमारे मोशन होते हैं उसी को हम एम्प्टी हैंड में भी यूज कर सकते हैं, बट दिस ड्रिल इज फॉर नाइफ, नाइफ के लिए है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एंगल वन दिया हमने इसे कट करना है इनसाइड और दूसरा हाथ प्लेस करना है, कट किया प्लेस किया, कट किया प्लेस किया, ऑलराइट, सो स्टेप वन है आपका कट एंड टू। तो अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एंगल वन पे सिर्फ कट प्रैक्टिस कीजिए, जैसे एंगल वन दो, कट किया, अब मैं ले रहा हूं, कट करो, वन यस, कट, हाँ फुटवर्क भी चेंज करना है, यस इस साइड आ जाओ, यस कट किया एंड दिस साइड इनसाइड कट करो, वन इनसाइड कट करना, आपको इनसाइड कट करना है, इस साइड कट करना है। अब जब आप 10 टाइम इसको कर लो, चलो काउंटिंग के साथ करेंगे, चलो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, आप इस तरह से आपने कर लिया। अब इसके बाद आपको हैंड का जो दूसरा हाथ हमारा सेंटर में रहेगा हमेशा ऊपर, हाँ कट किया 1, नीचे से 2, यहां से ऊपर से नहीं रखना, आपको नीचे की साइड से जाएगा और हाथ आपको हटा देना है, यहां तक हटा देना है, वन हैंड प्लेसमेंट करो, यस, वन टू वन टू वन टू वन टू, हाँ इस तरह से आपको हैंड प्लेसमेंट करते रहना है। हम इस साइड हटा दो, चलो
करो वन टू यस इस तरह से हो गया। अब का थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप को ध्यान से देखेंगे। यहां से जैसे कट होके मेरा हाथ जाएगा, इस हाथ को मैं पीछे नहीं खींचूंगा, इतना पीछे नहीं खींचूंगा, डायरेक्टली यहाँ कट होने के बाद मैं इसे सीधा प्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम थ्रस्ट प्लेस करेंगे, करो कट फिर थ्रस्ट, यस वन टू थ्री, वन टू थ्री इंटू थ्री, वन टू थ्री थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। कम से कम आपको इसे 20 टाइम कर लेना है। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे आपको वैसे वैसे अपना थोड़ा सा रिपीटेशन बढ़ा देना है, तभी आप इसे प्रॉपर कर पाओगे। हाँ, ये स्पीड से कट किया, नीचे रख दिया। हाँ, तो हमारा जो मोशन ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमी ऑफ मोशन है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम करेगा। यस दिस दिस आफ थ्रस्ट, ये मोशन आपने सीख लिया नाइफ का। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यस कट प्लेस किया, इसे लिफ्ट कर देना है, ऊपर उठा देना है। वन कट यस, पूरा करो यस यस, हाँ एंगल वन कट, ऊपर उठा देना है। वन टू थ्री यस, थ्रस्ट भी करना है, वन टू थ्रस्ट, ये वन टू थ्रस्ट करना है, इस साइड आ जाएंगे। वन टू यस यस, कम कट कट दिस साइड, वन टू थ्री यस। अब ये जो हाथ है इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये हाथ का प्लेसमेंट इस तरह से होगा, यहाँ पे आपका हाथ का प्लेस इस साइड को होगा, करो कट दिस। यहाँ जैसे मैंने इसको उठाया, ये हाथ मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, इसका मोशन चेंज कर दूंगा, नाइफ का मोशन चेंज हो जाएगा थ्रस्ट का गर्दन के लिए, ठीक है। हेलो वन टू थ्री फोर फाइव यस, वन टू थ्री इस साइड थ्रस्ट किया, थ्रस्ट करते हुए आगे ले गए, इसको हमने पुश किया एंड पुल इट, ओके वन टू थ्री टैप यस गुड, दिस 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 दिस, वन टू थ्री यस बूम, दिस दिस आपको हाथ उठाना है, वन टू थ्रस्ट यस गुड कट, थ्रस्ट करने के बाद आपको इस साइड करना है, जिस साइड चले गए थ्रस्ट कट दिस। अब ये आपकी हो गई पूरी ड्रिल, लेकिन अगर आपके पास में नाइफ नहीं है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो इसमें बिना नाइफ का बनाएंगे, जैसे आप नाइफ रखो दो एंगल वन, आपने हाथ प्लेस किया है तो अब आपके पास काटने के लिए कोई चीज नहीं है, दिस इज बूम दिस इज ओके, सो यहाँ प्लेस देन वी गो फॉर पंच। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो वी विल do it in next video. You can check out our channel, subscribe the channel. If you like the video, you can like the video. Hello everyone, you are welcome back to KSBT system. आज हम सीखने वाले हैं disarms के बारे में, और इस वीडियो में हम सारे disarms आपको बताएंगे 5 angles के, लेकिन साथ ही साथ आपको जो next जो series हम बनाएंगे one by one हर disarm को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आप उसे प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको डेमो दिखाएंगे पूरे पांच जो डिसार्म है, ठीक है। डिसार्म का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको दूसरे के हाथ से वेपन ले लेना, अगर आपको समझ नहीं आया तो डिसार्म में क्या होता है कि जैसे हमारा फाइव एंगल्स करके दिखाओ, ये होता है वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर और एंगल फाइव, ये हमारे पांच अटैक होते हैं, इसमें से वन हो गया वन, ओके मैं करके बता रहा हूँ, ओके दिस इज वन टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव में आप क्या करेंगे, थ्रस्ट करते हैं, ओके दिस इज थ्रस्ट, या आप अंदर की तरफ को थ्रस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके फाइव एंगल्स हो गए। अब जब एंगल वन कोई अटैक करेगा तो आप उसे क्या करेंगे, चैनलाइज करेंगे यहां से, ठीक है। जैसे एंगल वन दिया, वन आपके पास वेपन है, लेकिन अब एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि जब हम रियल लाइफ की बात करें तो हमारे पास स्टिक नहीं होती है, लेकिन हमारे पास कुछ और हो सकता है, जैसे कि कोई बैग हो सकता है, तो मुझे अगर मैं
मैंने ये मार्शल आर्ट किया है तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर बैग यूज करना है। बैग यूज करके मैं हाथ ग्रैब करूंगा और फिर मुझे क्या करना है, ये वेपन लेना है। ठीक है, तो अगर मुझे समझ में आता है कि डिसआर्म क्या है, कहां से मैं वेपन को यूज कर सकता हूँ, छीन सकता हूँ, तो प्रैक्टिस का गेम है पूरा। तो हमारा जो फर्स्ट डिसआर्म है उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट अटैक वन, दिस इज एंगल वन, हम क्या करेंगे, यहां से इस वेपन को होल्ड करेंगे और यहां हमें हिट करते हुए, हाथ पे हिट करते हुए वापस आना है। अगर छूट जाता है तो यहां पे अगर हमने हिट किया तो छूट जाएगा, अगर हम नहीं छूटा तो हम इसे पुल करते हैं। ये जो अंगूठा होता है, अंगूठे को हम रगड़ते हुए ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जब इसके बीच में आता है तो कोई भी होल्ड छूट जाता है। तो फर्स्ट अगर हम इस पे स्पीड में करें तो ये वन एंड देन वी टेक दिस वन। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास में हेवन सिक्स हमें आता है तो हम हेवन सिक्स की स्ट्राइक्स कर सकते हैं। अब एंगल टू, एंगल टू में जैसे ही हमारे पास कुछ आता है तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन होता है वो तो हमें हाथ पे हिट करना होता है, बट इन केस हाथ पे नहीं हिट हुआ है तो हम वेपन टू वेपन कर रहे हैं, अंदर की साइड से होल्ड करेंगे और फिर इसे हमने स्ट्राइक किया फेस पे, यहां से टू, फिर हम इसे अंगूठा जो है उसे होल्ड करेंगे और फिर इसे नीचे की तरफ छोड़ देते हैं, एंड देन वी कैन हिट विद द वेपन जो भी हमारे पास है। थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड में हमें स्ट्राइक होल्ड करना है, यहाँ पे हाथ होल्ड किया और इसे स्लिप करते हुए हमें यहां हिट करना है, जैसे हिट होता है देन यू विल जस्ट टेक दिस वन। देन द फोर्थ वन, फोर्थ हमारा फिर से इस साइड से हम हिट कर रहे हैं, हाथ को अभी हम यहां होल्ड करेंगे, हिट करेंगे यहां अंदर की तरफ हिट करेंगे, जैसे ही हमें यहां पर स्पेस मिलता है तब हमें अपना हाथ पीछे की तरफ खींचना है और अपना वेपन प्रेस कर लेना, अंगूठे को प्रेस करते हुए करेंगे तो यहां से वेपन छूटेगा और फिर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं अपना जो भी पैटर्न होगा। फिफ्थ वन में अभी हमारे हर एंगल को डिसआर्म करने का, रोकने के कई तरीके हैं, बट आपको अभी सिंगल जो वे है उसे सीखना है। जैसे कोई हिट करता है तो हम देखिए हिट कहाँ करना है, आपको इस पोर्शन में जो स्टिक हो या तलवार हो उसके यहां आपको हिट करना है, जो टॉप पोर्शन है। जैसे हिट हुआ, हिट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा हाथ को ब्रेक करने का, लेकिन ट्रेनिंग में क्योंकि हमें बार बार सेम स्ट्राइक पैटर्न क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, वन एंड टू, तो हम वेपन को हिट करते हैं, वेपन को तेजी से हिट करोगे तो यूजुअली हाथ से छूट जाता है। अभी मैंने इसे धीरे से किया, लेकिन अगर मैं ऐसे हिट करूंगा सो इट विल गो अवे। ठीक है, ओके, सो एक बार फिर से मैं आपको पूरा पैटर्न फ्लो में करके बताता हूं। वन टू थ्री यहां, ओके, फोर में आपको हिट करना अंदर की ओर, फिर इसे पकड़ के यूज करना, एंड फाइव यहां पे है तो थ्रस्ट आता है, ड्रॉप के लिए हिट की। सो ये है आपके फाइव डिसआर्म जो कि हमने अभी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किए हैं, और आगे की जो सीरीज होगी उसमें हम वन बाय वन हर डिसआर्म को कितने तरीके से किया जा सकता है। वेलकम बैक टू केएसबीटी सिस्टम, इन दिस ड्रिल वी विल लर्न द नाइफ अटैक एंड द काउंटर ड्रिल्स ऑफ, और यू कैन कॉल इट अ फॉलो अप ड्रिल एज वेल। सो व्हेन समबडी इज गिविंग यू एंगल वन, वी नो दैट इन फिलिपिनो मार्शल आर्ट देयर आर फाइव एंगल्स, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव, बट टुडे वी विल बी working on the first angle. So when somebody gives you first angle, so this is the complete drill, and how we will develop this drill we will learn in this video. When you are working with this drill at home, how can you develop the skill and the follow? First, when somebody gives you angle one, one attack, what you will do, you will go
outside 45 degree and you will place your knife. So first drill is knife to knife. One and I am giving one. Okay, go this side. Yes, cut, and this side we will do it. This is our first step. Do it 50 times at least. When you go there, when we have done 50 times, what you will do after 50 times, you will cut this way and place the hand. Okay, place the hand. Yes, this. 1, 2, 1, and 2. Now see the counting. Focus on counting. I'm counting 1 and 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. This side I'm keeping the hand. Now placing the hand, I'm not putting the hand this side. I'm placing the hand like this. So first 1, 1, 1, 2. Yes. And here important is, this is very important, when somebody is attacking, I am not pushing my hand this side and then cutting, I am just putting my hand this way, okay. So put one, directly I will put cut, then my thrust is ready. So one, do it 50 times again, when you have done it 50 times, then cut and place here, thrust, okay, put yes, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. When you are here, then you will add 4 after 50 repetition. You will just put 4 and come this side. From here, you will again you will use thrust. Go 1, 2, 3, 4. Yes, from here. Give me 1, 2, 3. Go there. 1, 2, 3, 4. Yes. 1, 2, 3. Then you will raise. Now you will place it outside here for safety purpose, but in reality we are hitting here. We are hitting here, then we are pulling back. So for drill purpose we are going back, then we are doing this. Now go for this. 1, 2, 3. Yes, okay. Now cut. 1, 2, 3. Go that side. Pull. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Pull. Go. 1, 2, 3. Go this side. Pull. 1, 2, 3. Yes. Here in this drill, we also learn how to change the angles of knife. So this drill is very useful in this case as well. Now go back. Okay. Cut. 1, 2, 3. Go. This. Cut. 1, 2, 3. Go. This. Okay, so hopefully you learned the whole drill. If you like the video and you want more tutorials, please subscribe, like and share the video. See you in next video. Come here. Okay, so here we are doing a drill and how to control. This is from angle 1 attack as well. So first, when somebody attacks you, so you are taking entry inside, hitting this side. From when he gets hit, then you push it down, you hit again this side. When he is there, you place your leg here, you drag and you push him on ground. When we are doing a drill, what we are doing, we are keeping his body safe. We are not just throwing on ground. Then I'll pull his leg. Now see where we are controlling the body. We are controlling the body from here. With my knee, I am pressing this side. Now from here, what I will do, I will go this side, from this side, and I will push. I will sit here, push here. Now I'm controlling his hand, and from there, you can punch or you can just control the person. If he is using his second hand, you can control his second hand as well like this. And you can place here and this way you can place. Okay. Now come here once more. Step by step I am guiding you. First attack. 1, 2. From here this side, come this side. From here,
आई एम प्लेसिंग दिस हैंड फर्स्ट, गोइंग विद दिस हैंड, कमिंग विद बैक फिस्ट. देन व्हेन आई हैव डन बैक फिस्ट, देन आई विल चैनलाइज हिज दिस हैंड हियर. फ्रॉम हियर आई कैन हिट एज वेल, अपर कट और वट एवर आई कैन हिट. देन आई विल प्लेस माई लेग हियर एंड then two way force I am giving this side. Okay, from here we are using this one, then we will go that side, keep this leg here, then again here. Now if he uses that hand, I can use any lock, this side or this side. Even you can put his hand under his head. In self-defense situation, what we will do, we will hold the hair, or you can use the ear. Okay, you can pull it like this and then push it down. Now I can control him. So now in a regular speed, go there, that side. In regular speed, it looks like this. Boom, this is go down. Hold the hand, boom, yeah, on that side. Give the hand, push it down, then you can punch. Okay, come. So when you are practicing at home, be careful, be slow. At least after 500 repetition, you can use it in a regular way. So be careful. First thing is to keep yourself safe in training. So see you in next video. Till then, goodbye, take care.